केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली मेरठ डसना एक्सप्रेसवे का काम किसी न किसी विवाद को लेकर हर बार बीच में अटक जाता है। अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब की बार मेरठ के प्रतापपुर के अचरोंडा गांव स्थित भट्टा मालिक राजकुमार गुप्ता ने काम रुकवाते हुए आरोप लगाया कि NHAI के ठेकेदारों ने अपनी मनमर्जी चलाते हुए उनके भट्टे पर बने लगभग 150 क्वार्टर सहित 2 मंजिले ऑफिस को बिना बताए ध्वस्त कर दिया, जबकि अभी तक NHAI ने ना तो क्वार्टर का कोई मुआवजा दिया और ना ही ऑफिस का। ये अपने व्यवसाय बताइए और ऐसा क्या कारण रहा कि आपने इस कार्य को जो NHAI कार्य कर रहा था इसे आपने रोक दिया है? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है, ये यहाँ पे अचरोंडा में स्थित है, ये मेरा भट्टा है। ये 2013 में जो है इसका 3D हो गया था, तो इस कारण 2014 में मेरा भट्टा बंद हो गया और 16 में मेरे को जमीन का मुआवजा मिल गया। उसके बाद में इन्होंने जो है जो मेरा निर्माण था यहाँ भट्टे का, उसके लिए इन्होंने कोई वैल्यूएशन करी या नहीं करी मेरी जानकारी में नहीं था। मई 2019 में इन्होंने मेरे को कहा कि आप भट्टे का मलबा हटा लो, तो मैंने जो है इनसे कहा कि भाई वैल्यूएशन कहाँ है, तो इन्होंने बताया कि ADM के यहाँ वैल्यूएशन चली गई है। तो इन्होंने उसकी 4.5 लाख रुपये पूरे भट्टे की वैल्यूएशन लगाई, इसमें मैंने आपत्ति करी। इन्होंने कहा कि आप अपने वैल्यूअर से भी वैल्यूएशन करा लो, मैंने अपने वैल्यूअर से वैल्यूएशन करा के इन्हें दे दी और इन्होंने PWD का JE और NHAI के लोग और ADM साहब के यहाँ से लोग आए, उन्होंने भौतिक सत्यापन करके कहा कि ठीक है जी हम इसे दोबारा बना देते हैं। उसके बाद में इन्होंने अभी तक आज तक भी मेरे को कोई वैल्यूएशन ना बताई ना दी और ना मेरे को कोई मुआवजा मिला, और इन्होंने ज़बरदस्ती जो है ये सब क्वार्टर और दफ्तर सब मेरे तोड़ दिए और कुछ मलबा भी यहाँ से ले गए। जो दफ्तर था उसका मलबा तो यहाँ एक भी नहीं है, जो क्वार्टर हैं उनका कुछ मलबा यहाँ पड़ा है जो फोटो में सब दिखता है। और इन्होंने जो मेरे से जब 2018 में मेरे को संदीप और दीपक नाम के 2 आदमी थे, उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा था कि गुप्ता जी आप पैसे दे दो तो हम आपकी वैल्यूएशन बढ़वा देंगे, मगर मेरी सोच ये रही कि जो वैल्यूएशन है जो एक्चुअल वहाँ निर्माण है उसे कोई घटा बढ़ा नहीं सकता और ना मेरी कोई नियत थी इन्हें पैसे देने की, इस कारण से इन्होंने मेरा आज तक भी ये कुछ नहीं किया। और जबकि ये बिल्कुल बहुत हॉट प्रोजेक्ट है और उसके बावजूद भी ये इन्होंने आज तक डिले किया। गुप्ता जी जो जबरन ध्वस्तीकरण किया गया है, क्या इसके लिए न्याय पाने के लिए आप पुलिस और कोर्ट माननीय न्यायालय की शरण में गए हैं, क्या रहा है? मैंने कल ये इन्होंने ध्वस्तीकरण करा, पहले भी किया था और मैंने कल इसकी एक सूचना के तौर पर, एक FIR के तौर पर प्रतापपुर थाने में दे दी है और बाकी कार्रवाई में अब आगे करूंगा। मुजफ्फरनगर जिले की चरथावल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर आज शामली जिले के कस्बा जलालाबाद रोड पर चेकिंग के दौरान कुछ अभियुक्तों को गैंग के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जो एक कैंटर पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों से तेल व सामान चोरी किया करते थे। इस दौरान अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। सर क्या मामला है? कल एक तेल चोरों का गैंग, उसकी पहले से सूचना हम लोगों को मिली थी कि लोग हाईवे पे एक गाड़ी रखते हैं और उस गाड़ी में इक्विपमेंट रखते हैं, मोटर वगैरह रखते हैं, और जो गाड़ी हाईवे के किनारे ढाबों पर खड़ी हो जाती है उनके बराबर में अपनी गाड़ी लगा के और तेल चुराते हैं। यदि कोई उसका अपोज करता है तो इनके पास अवैध असला भी होते हैं और ये उसके साथ घटना भी कर देते हैं। इसकी सूचना भी कल हमारी चरथावल टीम ने, आनंद चरथावल की टीम ने और जो हमारे SI राजकुमार इनकी टीम ने गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा है, जिसमें 2 लोग भागने के में सफल रहे हैं। बाकी लोगों के लिए तलाश जारी है और कहां कहां से इनका अपराधी इतिहास है उसकी भी तलाश की जा रही है। क्या बरामद हुआ है इनसे? जो ये गाड़ी एक बरामद हुई है, उस गाड़ी में जिनके उपकरण थे जिससे तेल चुराते हैं वो, प्लस जिससे इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया है जान से मारने की नीयत से जो फायर किया वो असला, अवैध असला, वो बरामद हुए हैं। और फर्जी नंबर प्लेट जो ये गाड़ी के ऊपर लगाते हैं ताकि सही नंबर ट्रेस ना हो पाए, और गाड़ियां जो है किराए पे ले लेते हैं, किराए पे लेके गाड़ी को, और यही काम करते हैं, तो इस गाड़ी का इसी में इस्तेमाल करते हैं। देवरिया में आज हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के विरोध में देवरिया के सुभाष चौक पर हिंदूवादी नेताओं ने चक्का जाम कर आंदोलन किया। इस दौरान समस्त 4 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी देवरिया को दिया गया। कल जो निर्मम हत्या हुई है आदरणीय श्री कमलेश तिवारी जी की लखनऊ में, उसी के विरोध में हमने ये धरना प्रदर्शन किया। ये जो निर्मम हत्या हुई है
पूरी की पूरी आईएसआईएस स्टाइल पे, आईएसआईएस की तर्ज पे जिस तरह से हलाल करके मारा जाता है, उस तरह से हलाल करके मारा गया। और यहाँ मुख्य बात एक जो ये ध्यान देने वाली है, कल किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं हुई है, कल किसी व्यक्ति विशेष की हत्या नहीं हुई है। अयोध्या मामले के एक प्रमुख पक्षकार हिंदू महासभा के भाई कमलेश तिवारी की हत्या हुई है, और इस निर्मम इस तरीके से हत्या की गई है, इतनी निर्ममता से हत्या की गई है कि हमारे हिंदू समाज को यह मैसेज दिया जाए कि आगे मत बढ़ो, बोलो मत। शासन प्रशासन से लेके सब कोई विश्वास जीतने में लगा है, आखिर ये वोट बैंक की राजनीति किस तर्ज तक जाएगी, हम हिंदुओं की लाशें कब तक बिछेंगी। हम हिंदुओं की लाशें बिछा बिछा के तो सरकारें बन गई, अब कितनी एकता चाहिए। आज भी कहा जा रहा है जागो हिंदू, अरे कैसे ना, कैसे कब सोया हुआ था हिंदू। 2014 में आपको बहुमत दिया, 2017 में आपको हिंदुओं ने ही बहुमत दिया, 2019 में हमने आपको प्रचंड बहुमत दिया, और उसके बाद भी आज भी हिंदू जागे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू जाग रहा है लेकिन आप लोग सो रहे हैं, ये नेता, ये शासन, ये प्रशासन सो रहा है। कायस्थ समाज के हितों एवं समाज की वैवाहिक समस्याओं के समाधान के लिए पिछले 15 वर्षों से अखिल भारतीय चित्रांश महासभा देश व समाज हित में विशाल चित्रांश समागम एवं वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। इसी के चलते बरेली अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का 15वां कायस्थ वैवाहिक परिचय सम्मेलन 15 दिसम्बर को होगा। चित्रांश महासभा का वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो 20 अक्टूबर को होने वाला था, लोगों के आने पर उनकी असुविधा का ख्याल रखते हुए अब 15 दिसंबर को होगा, मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के प्रांगण में होगा। इस अवसर पर विवाह योग युवक एवं युवतियों का परिचय होगा और उनका बायोडाटा एक किताब में छापा जाएगा, जिसमें लड़की का नाम, पिता का नाम, लड़की की उम्र, पता, पिता की इनकम, क्या काम करते हैं पूरा पता, लड़की की क्या क्वालिफिकेशन है, कहीं काम करती है वो, इस तरह की उसमें पूरी सूचनाएँ होंगी। ताकि हमारा ये ध्येय है कि जो भी विवाह योग युवक एवं युवती हैं उनके परिवारों को शादी में जो परेशानी होती है वो ना हो, और इस कार्यक्रम में हम ये कोशिश ये करते हैं, लोगों से यही कहते हैं कि दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए, घर के अंदर बेटी का सम्मान होना चाहिए, घर के अंदर बहू बेटी का सम्मान बराबर का होना चाहिए, लड़के और लड़की की पढ़ाई में अन्य कार्यों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम चाहते हैं लोगों को, आम परिवारों को, विशेषकर कायस्थ परिवारों को जो लड़की की शादी में परेशानी होती है वो परेशानी कम से कम हो। इसके अलावा हम लोगों को ये भी बताएंगे कि सामूहिक विवाह जो करवाना चाहेंगे उनके लिए सरकार की ओर से 51,000 रुपये का सहयोग है। जो गरीब हैं और अपने घर पे ही शादी करते हैं उनको भी सरकार की जो मदद मिल सकती है वो हम उन्हें कराएंगे। और ये कार्यक्रम अब 15 दिसंबर को मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के प्रांगण में होगा। इस अवसर पर एक स्मारिका भी छापी जाएगी जिसमें लगभग 400 बायोडाटा होंगे, सब कलर्ड प्रिंट होंगे। 2019 को होना था वो कार्यक्रम अपरिहार कारणों से 15 दिसंबर 2019 को। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश गवर्नमेंट के स्वास्थ्य राज्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह होंगे और अध्यक्षता करेंगे अनिल कुमार सिन्हा जी, दिल्ली से हमारे अध्यक्षता करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद बिहारी वर्मा जी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और तमाम शहर के गणमान्य चित्रांश हैं उनकी भी उपस्थिति इस कार्यक्रम के माध्यम से होगी। ये कार्यक्रम जिलाध्यक्ष राकेश सक्सेना जी के संयोजन किया जा रहा है और चित्रांश महासभा के समस्त पदाधिकारियों के साथ समस्त बरेली वासियों का इस कार्यक्रम में स्मरणीय योगदान हमेशा रहा है और रहता है। हाँ, अभी तक ये है कि जो हम लोग का आकलन है कि लगभग 400 बायोडाटा हम लोग एकत्रित करेंगे मैगजीन के लिए और सब प्रयास जारी है। सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और भविष्य में इस कार्यक्रम को जो कार्यक्रम प्रदर्शन में होने जा रहा है ये आपको नए स्वरूप में होने जा रहा है। फिरोजाबाद में थाना मखनपुर क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुटी है।
घटना के पीछे का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका? मोमबत्ती। ये क्या मामला हुआ, कैसे गोली कैसे लगी? मामला पता नहीं, कुछ दवाई लेने जा रही थी, तबीयत खराब थी, रात में उल्टी हुई, बुखार आ गया, ये दवाई लेने जा रही और रोड पे हाईवे पर ही किसी ने गोली मार दी। कौन लगती है आपकी? ये माई दौरानी है, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं, हम लोग खेत पे काम कर रहे थे, आलू वगैरह। नीलम देवी हिंदू माई की। कितनी देर पहले की घटना है ये? हो गया करीब आध घंटा करीब हो गया, अभी यहाँ लाए हुए। पता चला कौन लोग? हाँ, गाँव के ही लोग थे, उसने बताया। हाँ, नाम बताया उसने। क्या नाम बताया? उपेंद्र है, जगदीश का लड़का। क्या कोई पुराना रंजिश विवाद चल रहा था? हाँ, कुछ ऐसा ही था पुराना ही। अभी सी हालत कैसी है? अभी तो हालत बहुत नाजुक है। पाली जिले में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मारवाड़ जंक्शन के निवेशकों की एक बैठक हाजी मोहम्मद पठान एवं रामावतार शर्मा के सानिध्य में आयोजित हुई, जिसमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक की मारवाड़ जंक्शन शाखा निवेश ने एक संघर्ष समिति का गठन किया। बैंक की शाखा के व्यवस्थापक व एजेंटों ने धन निवेशकों के साथ जो धोखाधड़ी की, उसको लेकर कोर्ट में जनहित याचिका लगाने व दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मारवाड़ जंक्शन शाखा द्वारा निवेशकों से छल कपट करके धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए जमा किए, लेकिन पूरी राशि परिपक्व होने के पश्चात भी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारियों द्वारा और एजेंटों द्वारा पैसा पुनः जमा नहीं दिया गया। इससे कई लोगों के काम रुके हुए पड़े हैं, कई घरों में लोग बीमार हैं, किसी के बेटी के ब्याह की शादी रुक गई है, तो किसी का मकान का काम अधूरा रह गया है, कई आदमी हज के लिए जमा कर रहे थे जो हज पर जाने से वंचित रह गए हैं। इस तरह आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मारवाड़ जंक्शन द्वारा निवेशकों के साथ भारी धोखाधड़ी की गई और अब वो उन्होंने